हम अपने घर में रहते हैं, हमारे माता पिता और भाई बहन भी हमारे साथ रहते हैं, हम भोजन घर पर करते हैं, हम अपने घर पर खेलते हैं, हम सब अपने घर पर सोते हैं। घर हमें धूप वर्षा और सर्दी से बचाते हैं। पशु तथा पक्षियों के भी अपने अलग अलग तरह के घर होते हैं। पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं, चूहे तथा सांप में रहते हैं, मछलियाँ। बताइए, इसको हिंदी पढ़ना आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा एकदम देख सकते हैं, ये इतनी छोटी बच्ची है। इसका पढ़ने का मेन रीजन क्या है कि इसके घर के लोग गार्जियन पढ़ाते हैं। तुम्हारी मम्मी तुमको पढ़ाती है ना घर पे? जी, तो हमें होमवर्क देता है, उसको होमवर्क कराती है तुम्हारी मम्मी? रीजन यही है, ये अंग्रेजी भी पढ़ लेती है और इसको पहाड़ा कम से कम 20 तक पूरा फाइनल याद है, 25 तक याद है, तो इसको कहा गया 25 तक नहीं रटना है। और इसको संडे मंडे जोनल फॉर जितना बेसिक है पार्ट्स ऑफ बॉडी पूरा टोटल याद है, गुड इंग्लिश में का जितना याद है पूरा टोटल लगभग याद होगा, एक दो वर्ड छूटेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इतने छोटी बच्ची कैसे हिंदी पढ़ देती है, ये हम आपको गारंटी देता हूँ। 10 क्लास के बच्चा भी, इंटर का बच्चा भी शुद्ध इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ पाता है, इंग्लिश की गोली मार दीजिए। क्योंकि बच्चा पर जो गार्जियन पैसा खर्च करते हैं तभी आपका बच्चा समृद्ध और विकास होता है। किसी देश का भविष्य, किसी राष्ट्र का भविष्य, किसी स्टेट का भविष्य एजुकेशन पर ही डिपेंड करता है। तो इतने छोटी बच्ची है, इसका मेन रीजन क्या है कि जो भी इसको काम होमवर्क देते करवाती है, इनके मम्मी पापा गार्जियन का भी हाथ है और इसको कुछ पैसा भी खर्च होता है। क्योंकि बिना पैसा के एजुकेशन हासिल नहीं हो सकता है। फ्री में किसी को मुफ्त में सलाह भी दिया जाएगा तो आपको बात को नहीं मानेगा आजकल के मॉडर्न एरा में। बताइए, स्कूल सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वहाँ पर फ्री की शिक्षा है और बच्चे थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर गार्जियन लोग ध्यान नहीं देते और घर पर गार्जियन भी पढ़ा नहीं पाते हैं। तो देखिए, इनके मम्मी पापा कितने अच्छे से पढ़ाए हैं और कहीं ना कहीं इनके मम्मी पापा सबसे ज़्यादा योगदान दिए हैं। ये हमारे तरफ ये आती है हमारे लिए पढ़ने, मानता हूँ मैं, हमारे पास पढ़ती है, तो मैं इनके सबसे ज़्यादा इनके मम्मी पापा को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप, व्हाट इज़ योर मदर नेम? माय मदर नेम गार्लैंड। व्हाट इज़ योर फादर नेम? माय फादर नेम सरिता। व्हाट इज़ योर विलेज नेम? माय विलेज नेम बकलपुर। थैंक यू। आप देख सकते हैं, इंट्रोड्यूस तो ये लो, ही नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हाउ टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड यू कैन, दिस इज द बुक ऑफ एनी टाइप, आई डोंट नो, बस आप इसको प्रूफ में देख सकते हैं। और ये बुक आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ हिंदी है, इसको कैसे बच्ची पढ़े उतना, टेंथ क्लास के बच्चा भी नहीं पढ़ता। क्योंकि ये बच्चा इसलिए पढ़ती है क्योंकि इसके मम्मी पापा पैसा खर्च करते हैं, गार्जियन पूरा इसको इनके गार्जियन पर हमको विश्वास एकदम क्रेडिट है, तो मैं बच्चों को तेज करा सकता हूँ। ये बाइलिंगुअल इसको अभी बनाना है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कभी इसको नवोदय के लिए तैयारी करा जा रहा है, इसको गूगल गर्ल बनाने का हमारा मेरा टारगेट है कि हमारे जिला में भी, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में भी एक गूगल गर्ल बन जाए, तो मेरा प्रयास है, देखता हूँ सफल हो पाता है कि नहीं। तो बट बबी ऐसा पढ़िए, तो हम अपने घर में रहते हैं, हमारे माता पिता और भाई बहन भी हमारे साथ रहते हैं। जोर से पढ़िए। भोजन कर घर पर करते हैं, हम अपने घर पर खेलते हैं, हम सब अपने घर पर सोते हैं। स्टॉप कर दीजिए, आप लोग रख लिया, इसको रटवा दिया गया, कोई बच्चा रटा नहीं है। अगर कोई भी पेज इसमें सुलट के दिखा देता हूँ आपको, कोई भी पेज पढ़वा लीजिए, कोई भी हिंदी एकदम शुद्ध माजी, तो कोई भी पढ़वा सकते हैं एकदम, देख लीजिए। कहिएगा तो मैं ऐसे करके देखिए, पोजिटिवली कोई भी बुक निकाल सकते हैं चैप्टर। देखिए, मान लीजिए मैं चैप्टर निकाल दी, इसको पढ़ावा दे रहा हूँ, पढ़िए, इसको पढ़िए। वह स्थान जहाँ हम पढ़ते हैं उसे हम, हमारा स्कूल बहुत सुंदर है। तुम्हारा स्कूल बहुत सुंदर है? हाँ ठीक है, और देख लीजिए, पूरा प्रूफ 100% प्रूफ है, मिल रहा हूँ आप लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। हम सब सड़क पर जाते हैं तो हमें पैदल पर चलना चाहिए, यदि हम साइकिल से जाते हैं तो हमें सड़क के बाई ओर चलना चाहिए।